मुंबई का स्टूडेंट मनाली से लाता था चरस, साथी छात्रों को करता था सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्टूडेंट ट्रेकिंग के बहाने मनाली जाता था और यहाँ से चरस लाकर अपने दोस्तों सहित दूसरे विद्यार्थियों को बेचता था। यह खुलासा तब हुआ जब उसे पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया। बोरीवली पुलिस स्टेशन की एंटी टेररिज्म सेल एनटीसी की एक टीम ने आरोपी विद्यार्थी के पास से मनाली चरस बरामद की। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,50,000 रुपए है। अधिकारी ने बताया कि स्टूडेंट ने पूछताछ के दौरान मनाली में स्थित ड्रग्स का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों की जानकारी दी है। इनकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने क्या कहा? बोरीवली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि एनटीसी की टीम बोरीवली इलाके में दोपहर करीब 4:30 बजे पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान गोविंद नगर इलाके में स्थित नील टावर सोसाइटी के पास कुछ लोग संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। तलाशी ली गई तो चरस के कुछ पैकेट्स मिले। चरस की जांच की तो पता चला कि यह उच्च गुणवत्ता का मनाली ड्रग्स है। आरोपी विद्यार्थी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित बोईसर इलाके में रहता है और वह काफी समय से ड्रग्स की कारोबार कर रहा है। घूमने के बहाने वो मनाली जाता था और चरस लेकर आता था। जांच में क्या सामने आया? पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी स्टूडेंट पहले करीब 2 से 3 बार मनाली जा चुका है। यहाँ से चरस लाकर दूसरे विद्यार्थियों को सप्लाई करता था। पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने स्टूडेंट को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है।